वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये बात मैं बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने टाइम बाद आपसे लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में थोड़ा बिजी हो गई थी तो वहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहती थी मैं जितना भी टाइम वहाँ पर रह रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आगे वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मतलब ये वाली वीडियो एयरपोर्ट की है जब मैं इंडिया से कोरिया जा रही थी, क्योंकि मुझे डीएम्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि आप लोग पूछते हो कि दीदी एयरपोर्ट पर हम कैसे कैसे जाया करें, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अकेले कि मैं कैसे जाऊँगी कैसे नहीं, तो इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों को भी शायद डर लग सकता है। इसलिए मैं एक वीडियो मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ इसके ऊपर। तो मैंने कोशिश पूरी करी है, क्योंकि क्या होता है देखो ऐसा है कि एयरपोर्ट मुझे ही पूरा तरीके से याद नहीं होता है कि कहाँ पे कैसे जाना है, तो मैं भी सिर्फ बोर्ड होते हैं ना ऊपर उनको देखते हुए जाती हूँ। एक बात जो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मैं जब जाई थी तो मैं रोज ज्यादा रही थी अपनी मम्मी से मिलकर, तो मैं मेन इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई कि आपकी जो फ्लाइट की टिकट होती है ना उस पर क्या होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट पर जैसे जाते हो ना तो बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, बाहर भी लगी होती है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते ही भी एक और स्क्रीन लगी होती है। तो उस पर क्या करना होता है, उस पर ना आपको अपना फ्लाइट नंबर चेक करना होता है। जैसे कि जो आपका फ्लाइट वहाँ पे जो आपकी टिकट होगी ना वो ऑनलाइन पीडीएफ जो होता है उसमें तुम देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको जैसे कि मेरा इंडिया से कोरिया, दिल्ली से इंचियन, और उसके आगे जो भी हमारी एयरलाइंस होगी कोरियन एयर या फिर एयर इंडिया जो भी है वो लिखा होगा, और एक फ्लाइट का नंबर भी होता है वो भी लिखा होगा। तो और उसके आगे नंबर लिखे होते हैं ABCDEFGH, ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, तो आपको वो जरूर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपका काम यही होता है आप अपनी डिटेल्स चेक करो कि फ्लाइट कहाँ पर है कैसे है, और उसके आगे नंबर चेक करो। और उसके क्या करना होता है कि वहां पर वो काउंटर ढूंढ के, जैसे मान लो मेरी फ्लाइट के आगे J लिखा हुआ था तो वो काउंटर ढूंढ के मुझे वहां पे अपना लगेज सबमिट करना होता है। तो ये तो लगेज सबमिट करने का प्रोसेस होता है, मैंने वहाँ पे डिटेल में दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं अभी भी रो के अपने एयरपोर्ट से अंदर घुसी थी, तो मेरा ध्यान ज्यादा था नहीं कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ क्या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ और बाकी की वीडियो आप देख लो आगे। तो एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक सामने स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पे आप अपना फ्लाइट चेक करो, वहाँ पे फ्लाइट सबकी आती रहती है तो वहाँ पे फ्लाइट का नाम चेक करो, और उसके आगे एक नंबर लिखा होता है ABCDEFGH करके, तो वहाँ पे चेक करो कि आपका कौन सा नंबर है, और साइड में काउंटर ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंटर दिखा सकती हूँ, जैसे मेरी फ्लाइट पे आगे J लिखा था तो मैंने J ढूंढा और J के आगे सामने आके खड़े हो गए। यहाँ पर आपको अपना लगेज देना होता है, लगेज देने के बाद आपको सामने यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्चर्स जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी तरफ जाना होता है, और ये बिल्कुल ही उसके साइड में होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन में लग जाना है, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट वीज़ा वगैरह दिखाना पड़ता है लाइन से, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी की लाइन आती है जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, लेकिन सिक्योरिटी की लाइन ख़त्म होने के बाद ही आपको कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पे बस आपकी सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, और उसके बाद आपको साइड में एग्जिट दिख रहा होता है और कोई लाइन ही नहीं है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हाँ वहाँ कैसे जाना है, सामने बस एक ही लाइन जा रही है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से निकलने के बाद आपको अपनी जो फ़्लाइट दी, फ्लाइट की जो टिकट है वहाँ पर आप चेक करना, तो आपके उसका उस पर ना गेट नंबर लिखा होता है तो आपको गेट नंबर चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ना आप देखोगे चलते वक्त देखते रहना कि आपके सामने ना गेट के बोर्ड लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबके गेट के लिखे होते हैं कि 1226 यहाँ पर है, और आगे जितने भी नंबर के गेट होते हैं वहाँ पर दिखा रहा होता है, डायरेक्शन दिखा रखी होती है, जैसे मेरा 20 है तो मैं 1 से 26 के बीच वाले गेट में जाऊँगी। तो आपको बस आँखें खुली रखनी है जब आप जा रहे हो, और बस कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा यहाँ वहाँ देख के रहना, क्योंकि सामने तुम्हारी डायरेक्शन लिखी हुई है, ये नहीं कि डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करो और सामने डायरेक्शन लिखी उसको फॉलो करते जाओ, और धीरे धीरे करके आप फॉलो करते करते आओगे तो आपको बहुत सारे गेट्स दिखते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बस अपना गेट नंबर तक आपको चलते रहना है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम, मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 18 तक पहुँचे हैं अभी। आपको साइड में मैं एक बार जूम करके दिखा सकती हूँ, शायद दिखाऊंगी, हाँ दिखा रही हूँ, 18 है, ठीक है। इसके आगे आपको चलते रहना है क्योंकि अभी सिर्फ 18 तक आया है, इसका मतलब आपको अपने गेट नंबर तक आने तक चलते रहना है। जैसे मेरा 20 है तो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मेरा नहीं आता, तो बीच में ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कब आएगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है क्योंकि एयरपोर्ट बड़ा है, गेट्स नंबर बड़े होते हैं तो टाइम लगता है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर यहाँ पर 20 नंबर पर आके बैठ जाना है क्योंकि आपकी फ़्लाइट यहीं पर है, और फिर आपको फ़्लाइट बोर्ड करना है, जैसे ही लाइन लगा के वो लेके जाएंगे वैसी लाइन लगा के आप अंदर प्लेन में घुस जाना और बैठ जाना अपनी सीट पे। मेरी बगल वाली सीट पे कोई नहीं बैठा था तो बहुत अच्छी बात लग रही थी, मुझे तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस अपनी आँखें खुली रखिए, आप एयरपोर्ट पे सामने सामने पूरी डायरेक्शंस लिखी होती हैं और आप अच्छी तरह से पहुँच सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे पता, जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी तब मैं ही बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, टेंशन होगी बट एटलीस्ट मैं आपको यहाँ पर पहले से ही बता रही हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अभी हम टेक ऑफ कर रहे हैं दिल्ली से, घर छोड़ने की दुख बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक अंकल जो है ना वो लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अभी आपका इनका फेस ब्लर कर सकती हूँ क्योंकि ऐसा दिखाना सही बात नहीं है, बट वो लड़ाई कर रहे थे एयर होस्टेस से जो कि कोरियन थी, पता नहीं किस बात पे लड़ाई कर रहे थे वो ही जानेंगे,
वहाँ पर टेक ऑफ हो रहा था तो बोला गया था कि आप बेल्ट लगा के बैठे रहें, बट वो अंकल को पता नहीं क्या हो गया था, वो इमरजेंसी के नाम पे बस उठ के कहीं ना कहीं जाना चाहते थे, तो एयर होस्टेस उन्हें मना कर रही थी। और अंकल की मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अंकल इतना ज़्यादा मतलब किसी से बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो। बट खैर मैं नहीं बोल सकती किसी के बीच में, क्योंकि मुझे समझ से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो पागल लग रहे थे मुझे जिस हिसाब से वो सबसे लड़ रहे थे ना, मतलब हर किसी से लड़ रहे थे, उनको बहस करनी थी बस, वो सबसे लड़ रहे थे, इतना ज़्यादा बहस कर रहे थे, मुझे समझ, मेरे को एक तरफ से लगा कि क्या मुझे बीच में बोलना चाहिए यहाँ पे, बट मुझे लगा कि वहाँ पे और भी एयर स्टाफ है तो वो देख सकता है, वहाँ पर वो अंकल फिर दूसरी तरफ जाके लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा खैर इन सब बातों को छोड़ो, मैं अपनी कोई मूवी लगाती हूँ। तो उसके बाद फ्लाइट से उतरने के बाद एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं अपने पैर दिखा रही हूँ वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको तरीका बताती हूँ। या तो उतरते समय आप उन लोगों का पीछा करा करो जो आपकी फ्लाइट में बैठे हुए हैं, और या फिर खुद चले जाकर, वैसे सारे लोग फ्लाइट से उतर के एक ही जगह पर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैगेज लेने के लिए वहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर आपने नंबर देखा होगा 15 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको बस लोगों के साथ पीछे पीछे चलता जाना है। बीच में एक इमिग्रेशन चेक आएगा, वो आपको सभी लोगों के साथ ही करना होता है, तो वहाँ पर आपका इमिग्रेशन चेक होगा, वीज़ा चेक करेंगे और कुछ नहीं, और आपको अपना बैग उठाना है यहाँ से। बैग उठा के आपको सिर्फ एग्जिट ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इंचियन एयरपोर्ट पे आते हो तो बैगेज उठाने के बाद आपको यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, एग्जिट ढूंढना है। यहाँ पे एक लेडी खड़ी रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, कभी नहीं होती है, तो नगे नहीं भी हो तब भी आपको एग्जिट ढूंढना है बस। तो आपको एग्जिट ढूंढते ढूंढते वहाँ पर जाना है और वहाँ से निकल जाना है एयरपोर्ट से, क्योंकि बस रोड, अगर आप सोल से कहीं और जाना, इंचियन से कहीं और जाना चाहते हैं, तो आपको अगर बस लेनी है या फिर सबवे लेनी है या फिर जो भी लेना है, तो आपको टैक्सी लेनी है, वो बाहर निकल के ही लेना पड़ेगा। तो आपको एग्जिट ढूंढना है और वहाँ से बाहर निकल जाना है। वहाँ से बाहर निकलते ही जैसे पीछे आपने देखा बैगेज लेने के बाद, एग्जिट लेने के बाद, अब आप बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, यहीं से बाहर निकलना है, और कोई जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए, तो एग्जिट यहीं से होगा। एग्जिट लेने के बाद आपको क्या करना है, सामने आके चेक करने हैं सारे बोर्ड्स, बोर्ड्स पे आपको चेक करना है, आपको ट्रेन लेना है, सबवे लेना है, टैक्सी लेना है, बस लेना है, जो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेल या बस या टैक्सी, पार्किंग, सबके बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना डायरेक्शन चूज़ करना है किधर जाना है किधर नहीं। अगर आपको वहाँ भी चेक करना नहीं आ पा रहा हो तो सामने एक बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगी, एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एयरपोर्ट पर क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज इंग्लिश करो और अपना बस स्टॉप, एयरपोर्ट रूट, रेलवे, सब कुछ चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मेरे को बस लेना है तो मैंने अपने अगर डायरेक्शंस को फॉलो करूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बस के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, मतलब एस्केलेटर पकड़ो और नीचे जाओ, थोड़ी सी आँखें खुली रखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे जाना है कैसे नहीं। तो जैसे कि मुझे बस लेनी है, इंचियन से बुसान डायरेक्ट बस होती है एयरपोर्ट की, तो उसके लिए मैं बस वहाँ पर जो साइन लगे हुए हैं उनको फॉलो करती रहूँगी, और जहाँ पर बस जा रही है वहीं पर बस का निशान इंग्लिश और कोरियन दोनों में लिखा होता है। यहाँ पर आपको टिकट बूथ मिल जाएंगे, जैसे आप बस उसको फॉलो करते जाओ, डायरेक्शन को उसको इंग्लिश में चेंज करो, परचेज टिकट करो, और जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है, इंग्लिश में तो आपको आना चाहिए इतना, तो इंग्लिश में आपको जहाँ भी डेस्टिनेशन थी वहाँ पर क्लिक करके, और वहाँ पर लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर, जो कि आपके साइड में ही लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपको कहीं यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइड में जितने प्लेटफॉर्म नंबर है वहाँ पर जो भी आपका टिकट पर लिख के आया कि ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर है, तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ और बस वहाँ से फिर आपको अपना बस में जाना है। तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं कैसे जाएंगे कैसे नहीं। उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि यार एक फ्लाइट के बाद ना आप में बिल्कुल ताकत नहीं बची होती, मेरी तो तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो ऑफकोर्स तबीयत ख़राब होती ही है। और दूसरी बात यह है कि फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी, तो मैंने कहा कि यार वीडियो के चक्कर में कहीं मैं टैक्सी बुलाना ही नहीं भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई आगे की वीडियो, बट वहीं तक की थी वीडियो। अगर आपको बस लेनी होती तो नॉर्मल यही तरीका होता है कि ऐसे कर, वैसे मेरे को लगता है कि बस सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, अगर किसी को जैसे इंचियन से या इंचियन से अगर किसी को दूसरी सिटीज जाना है ना, तो हमेशा बस लो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहली बार आते हो ना तो KTX वगैरह लेते हो, मैंने तो लेना पड़ा था, मुझे मजबूरी थी, मैंने इसलिए KTX लिया था क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे KTX लेना पड़ रही, मतलब ट्रेन लेके मैं गई थी बुसान पहली बार। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी अगर आ रहा है तो बस लो सीधा सीधा इंचियन से, क्योंकि तुम्हारा लगेज भी सीधा इंचियन पे ही होते हो तुम एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के अंदर से तुम्हें बस मिल जाए तो तुम्हें अपना लगेज यहाँ वहाँ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तुम्हें यहाँ वहाँ घूमने की भी जरूरत नहीं, तुम एयरपोर्ट के अंदर से ही बस लेके सीधा अपने जहाँ पर भी तुम्हें जाना है वहाँ पे जा सकते हो, फिर वहाँ से सीधा टैक्सी लो
और एक बारी में चले जाओ अपने घर। यहाँ वहाँ KTX बताओ, पहले यहाँ से यहाँ ट्रेन स्टेशन जाओ, ट्रेन स्टेशन से ट्रेन पकड़ो, ऐसा कुछ मत करो। तो यहाँ पे नॉर्मली से बस पकड़ो और चले जाओ। और ये बसेस सब जगह जाती है, मोस्टली इंटरसिटी बस होती है, सारी सिटीज में जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज जो आने वाली है वो GKS के ऊपर आने वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जो सारी नेक्स्ट वीडियोज होंगी वो GKS प्लेलिस्ट के ऊपर होंगी, क्योंकि GKS स्टार्ट होने वाला है और उसका पूरा प्रोसेस होगा, स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट, मेजर डिपार्टमेंट कैसे ढूंढते हैं, ये मुझे बहुत मैसेजेस आ चुके हैं, तो मैं फिर से एक बार आपको बताने वाली हूँ मेजर और डिपार्टमेंट कैसे करना है। तो बहुत सारी GKS की प्लेलिस्ट आने वाली है, तो आप उसका वेट करो और बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।